हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसई स्टडी बाइट्स। तो आज हम देखते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन किसका, जो अभी एग्जाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, तो उसका जो पोर्शन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसी का आज हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा वाला, लेकिन यहाँ पे क्या दिए हैं ये, क्योंकि ये चारों क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये चारों क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनमें से कौन सा वाला इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको चेक करने के लिए, तो जो भी आजकल एग्जाम देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहां पे हमें ओएमआर शीट मिलता है। ओएमआर शीट में क्या होते हैं, मतलब आपको वहां पे चार सर्कल फिल करने होते हैं, मतलब जो भी राइट आंसर होगा, तो वहां पे आपको चार सर्कल दिए होते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो फिर जो आपको राइट आंसर होगा फिर वो हमें फिल करना है। तो अब उसको चेक करने के लिए कौन कौन सा ये इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं, तो इसके लिए जो इनपुट डिवाइस यूज करते हैं वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्योंकि आपको पता ही है, हम खुद भी बोलते हैं कि ओएमआर शीट हमें वहां पे दिया गया था, तो उसके लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर ये करेक्ट आंसर है। अब जो बारकोड रीडर्स है, तो ये किस लिए यूज होते हैं, जो बारकोड से होते हैं उनको रीड करने के लिए, तो ये तो नहीं आएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये किसके लिए यूज होता है, ओसीआर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कन्वर्शन ऑफ इमेजेस ऑफ टाइप्ड हैंड रिटन और प्रिंटेड इनटू मशीन एनकोडेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पेपर है, तो अभी अगर हम क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, तो उसको हम स्कैन किससे करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से उसको हम स्कैन करेंगे, और इसको ये कन्वर्ट करेगा किसमें, इसको कन्वर्ट करता है ये मशीन के एनकोडेड टेक्स्ट में, तो उसके लिए ये यूज होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। अब इसके बाद है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये बैंक्स में यूज होता है, वहां पे हम किस लिए इसको यूज करते हैं, वहां पे हम इसको जो चेक्स हैं, जो उनका नंबर दिया गया होता है, तो उसी को वहां पे ये चेक करने में यूज होता है मैग्नेटिक इंक रीडर, तो ये भी नहीं आएगा इसमें। ठीक, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, इट ट्रांसफर्स, अब इसका जो ऑप्शन है, इट ट्रांसफर डेटा टू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें यहाँ पे क्या है, इज नॉट ट्रू। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्साइट होते हैं, तो हम ये नॉट की तरफ नजर ही नहीं पड़ती, हमने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, तो हम क्या करेंगे, इट ट्रांसफर डेटा टू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, हमने इसको टिक किया और हम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि जो जल्दी जल्दी में कभी ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें पूरा क्वेश्चन देखना है पहले, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन नहीं है ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट, इट ट्रांसफर डेटा टू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये तो ट्रू है, इट फेचेस रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, ये भी ट्रू है, इट डायरेक्ट्स फ्लो ऑफ डेटा विद इन सीपीयू, ये भी ट्रू है, तो ये हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज ए कंपोनेंट ऑफ एसएमपीएस। अब ये एसएमपीएस क्या होता है, SMPS ये इसमें क्या है, ये नहीं आएगा इसमें, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ SMPS। ठीक, तो अब ये SMPS क्या होता है, इट इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो जो भी हम पावर सप्लाई किसमें देते हैं, कंप्यूटर में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये SMPS होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है वोल्टेज को किसमें, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल रेंज में, जो भी वोल्टेज वहां से बाहर से आ रहा है, अभी उसको कन्वर्ट करता है उस किसमें, जो कंप्यूटर को एक्सेप्टेबल रेंज हो उसी में उसको कन्वर्ट करता है। तो क्योंकि पावर सप्लाई है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो ये कंट्रोल यूनिट, ये ना कंट्रोल यूनिट नहीं हो सकता, कंपोनेंट इट इज, तो कंट्रोल यूनिट इसका कंपोनेंट नहीं हो सकता, किसका, एसएमपीएस का। ठीक, तो इनमें से नॉट ट्रू कौन है, नहीं यही है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ एसएमपीएस, तो ये वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड, तो कंट्रोल बी हम कब करते हैं, कंट्रोल प्लस बी जब भी हमें कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा, तो ये वाला इसमें ट्रू है। अब तो ऑप्शन चार है यहाँ पे, इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, ये सही आंसर है, कंट्रोल बी से यही होता है, द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स इन इटैलिक्स, तो इसके लिए ये नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आई, इट अंडरलाइन इज सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये भी नहीं है, क्योंकि इसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल यू से हम क्या करते हैं,
अंडरलाइन करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। ओके तो अब एक और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे भी ख्याल रखना, यहाँ पे नॉट है, ठीक। तो अब हम आएंगे, हमें क्या कभी क्या कभी जब जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, तो हमें लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो नॉट हमें दिखता ही नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में होते हैं ना, तो ऐसी गलतियां बहुत सारी, मतलब बहुत फजूल वाली गलती है, लेकिन ये होती है कुछ लोगों से कभी कभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो पहला कौन है, नॉर्टन, तो ये तो एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैकेफी, ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एवीजी, ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और फिर ट्रोजन हॉर्स, अब ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये खुद एंटीवायर ये वायरस है, तो ये इसलिए जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो ट्रोजन हॉर्स ही है। तो यहाँ पे मैंने इनको टिक दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स है वो नहीं है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका मतलब जो सही आंसर है वो ट्रोजन हॉर्स ही है यहाँ पे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी विद रेस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेट्स। तो जेपीईजी का जो फुल फॉर्म है वो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, तो इसमें ये आंसर आएगा बी, क्योंकि ये बहुत सारी ये हैं एब्रीवेशन, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा खाली, किन पे जो हमारी एब्रीवेशन है बहुत सारी, तो उन पे एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक। तो जो अब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर भी है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप क्या होता है, जेपीईजी। अब जो क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, पहला क्या है, रैम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडीआर। अब इनमें से प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोलते हैं, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी का दूसरा नाम है प्राइमरी मेमोरी, और इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें क्या कौन सा आएगा, रैम आएगा। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव भी उसी उसमें आएगा, सीडीआर, डीवीडी ड्राइव, ठीक, इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। BIOS, BIOS is the program which helps to initialize the hardware during computer booting process. What is the full form of BIOS? अब जो BIOS क्या है, ये जब भी हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो उस टाइम ये वो वाला प्रोग्राम है जो उस टाइम क्या करता है, इनिशियलाइज करता है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक, कब, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं। तो अब इसका इसकी फुल फॉर्म क्या है BIOS की, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, BIOS की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, अब हम आते हैं 58 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें देखना है कि मेन फंक्शन कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पहला क्या है, मैनेज द प्रोसेसर एंड असाइन टास्क विच are to be performed, manage the processor, yes, हाँ ये operating system करता है क्योंकि ये मैनेज करता है processor को और ये tasks भी assign करता है। इसके बाद ये क्या करता है, memory management में भी काम करता है, तो allocate memory and storage areas to the system and user programs and data, yes, तो इसका काम ये भी है, ठीक। और इसके बाद क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी इसका काम है, किसका, 58 ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो हम वर्ल्ड वाइड वेब को कभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, कौन सा वाला ऑप्शन, एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट। तो पहले अब हम इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोई ऑप्शन है, हाँ बी वाला आंसर हमारा आएगा, बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑनली। ओके, तो आर द कंप्यूटर एप्लीकेशन, पहला क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, हाँ ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन, जो ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं जो दूसरी वाले चैनल पे हैं, लर्न इजी विद एजाज पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे जब कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने पढ़ाई तो वहाँ पे ये हमने सब कुछ कवर किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी आएगा उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तीन इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो डी इसका सही आंसर है। ओके इसके बाद है व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर, आस्की क्या होती है, आस्की इसका इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब ये आस्की होता क्या है, आस्की क्या है, ये है, ये एक कैरेक्टर एनकोडिंग है दैट यूजेस न्यूमेरिक कोड्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। अब जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके लिए ये न्यूमेरिक कोड्स क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ए स्मॉल ए है तो इसको रिप्रेजेंट करता है 97 से, 97। ओके आस्की में इसका ए का वैल्यू क्या है, 97, और जेड का है 122, स्मॉल जेड का, ठीक 122। तो ए का 97 है, बी का 98 है, सी का 99 है, डी का 100 है। ओके तो ये हो गया स्मॉल। अब अगर जो कैपिटल है तो कैपिटल ए का वैल्यू है वो है इक्वल टू, वो है 65, ठीक, आस्की कोड ऑफ ए इज 65, और कैपिटल जेड का क्या है, कैपिटल जेड का 90 है, तो कैपिटल बी का क्या होगा 66, कैपिटल सी का 67, ऐसे ही, ठीक। ओके तो अब हम 61 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। अब हमें ये इन जो हमारे ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमें देखना है इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो ये भी मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो वो जो लर्न इजी विद एजाज है वहाँ पे जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सीरीज है उसमें मैंने ये सारा ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी, या इससे बाकी वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, प्रोजेक्टर नहीं वो आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बारकोड स्कैनर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं बारकोड को, और वो कहाँ पे जाता है फिर, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है कौन सा, बारकोड स्कैनर, ठीक, बारकोड स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द बिलो डेसिमल वैल्यू इनटू दिस इक्विवेलेंट बाइनरी। अब 12 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो 12 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बार बार, 2 6 12, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 0, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके ठीक है, फिर 2 फिर से करेंगे इसको डिवाइड, 2 3 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1, और फिर 2 0 0, यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर 1। तो अब यहाँ से हमें किसको इस तरीके से लिखना है, नीचे से लेके ऊपर तक, तो क्या आ गया 1 1 0 0, तो 1 हमारा 12 का को बाइनरी में अगर जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है हमें 1 1 0 0, तो अब सही आंसर कौन है, अब सही आंसर हमारा है ए, ठीक। ओके विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक, तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उस विच एमंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से नॉट है, तो नॉट का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हम कभी सिली मिस्टेक करते हैं ना, तो हो जाती है ये कभी कभी, तो यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, नॉट ही है कि ये, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इट इज एक्सेसिड डायरेक्टली बाई द प्रोसेसर, यस ये करता है, तो ये फीचर है प्राइमरी मेमोरी का, इट इज फास्ट मेमोरी अवेलेबल, यस ये है, इट्स कंटेंट्स आर लास्ट वंस पावर इज स्विच्ड ऑफ, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम वोलेटाइल, वोलेटाइल इसका मतलब, वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल होती है जब ये हम अभी अगर इसको पावर ऑफ करेंगे तो जो भी हमारा कंटेंट है वो सारा लास्ट होता है, इट इज नॉट वोलेटाइल, नहीं लेकिन ये वोलेटाइल है, लेकिन इसने क्या दिया है डी ऑप्शन, इट इज नॉट वॉलेटाइल, इसका मतलब विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, इसका मतलब हमारा इट इज नॉट वॉलेटाइल ये फीचर नहीं है किसका, प्राइमरी मेमोरी का, तो इनमें से आंसर कौन आएगा फिर, कि ये वाला डी वाला आएगा कि इट इज नॉट वॉलेटाइल जो इसने लिखा है, लेकिन ये वॉलेटाइल है, जैसे ये है ऑप्शन सी में इसने दिया है इट्स कंटेंट्स आर लास्ट वंस पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉलेटाइल। ओके
अब 64 है, a spurious computer program that replicates itself at a swift pace is called, तो इसको हम बोलते हैं वर्म, ठीक, इसको हम बोलते हैं वर्म। वर्म क्या होती है? अब ये स्पर्यस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लिकेट करता है एट स्विफ्ट पेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्म, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन विद रेस्पेक्ट टू नेटवर्किंग। अब वीपीएन क्या होता है हमारा? वीपीएन हमारा होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? वर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन, वो क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? ये एक एनक्रिप्ट, इट इज एनक्रिप्ट कनेक्शन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम डिवाइस टू नेटवर्क, ठीक। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा पिछली बार जब यहाँ पे बहुत सारी सोशल साइट्स, सोशल वेबसाइट्स क्या थी, वो बैन थी, तो फिर हम क्या करते थे? उनको एक्सेस करते थे, लेकिन कैसे करते थे? वीपीएन से। वीपीएन क्या करता है? ये जो हमारा पब्लिक पब्लिक नेटवर्क है उसके ऊपर क्या करता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है, और इससे हमें क्या होता है? ये एनक्रिप्ट करता है डेटा, तो वो उनको पता नहीं चलता कि आया कहाँ से, ठीक। तो उस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं जो भी बैनड वेबसाइट्स होंगे, ठीक। ओके, तो इसके बाद है 66, इसको पहले यहाँ पे हम करेंगे क्लियर। तो SSD इज ए न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर्स, व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो हमारे पास क्या होती है? जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें होती है, एक तो SSD होती है और HDD होती है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक। अब ये क्या है? SSD HDD से फास्ट होती है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के 15 क्वेश्चंस बचे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।